हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्रेजी फॉर फिटनेस। आज हम डे 24 की वर्कआउट करेंगे, जिसमें हम सिर्फ तीन वर्कआउट करेंगे, अपर बॉडी, लोअर बॉडी और एब्स की ओवरऑल एक वर्कआउट। तो गाइज, अगर आपने मेरे को अभी तक फॉलो नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ये लूज वेट सीरीज का फाइनल वीडियो है। इसके बाद हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे, जिसमें हम स्ट्रेच बैंड का यूज करेंगे। तो गाइज शुरू करते हैं फाइनल वर्कआउट। सबसे पहले वर्कआउट जो हम करेंगे अपर बॉडी में वो है पुशअप, बट हम नॉर्मल या स्टैंडर्ड पुशअप्स नहीं करेंगे जो तक लगाते आए हैं। आज हम करेंगे स्पाइडरमैन पुशअप, ठीक है। तो पुशअप पोजीशन आपका सेम रहेगा, हाथों के बीच में शोल्डर से थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस, बट आपको करना है कि जब आप पुशअप लगाने के लिए इस पोजीशन में आते हैं तो आपको पांव ई यू लेकर आना है, यानी कि जब मैं नीचे जाऊं तो एक बार आपका लेफ्ट लेग लेफ्ट एल्बो के पास आना चाहिए और दूसरी बार राइट लेग राइट एल्बो के पास यू। जब आप नीचे आते हैं तो सांस लीजिए और जब आपकी बॉडी ऊपर की तरफ आए तो सांस छोड़िए। नेक्स्ट वर्कआउट जो हम करेंगे वो ओवरऑल एब्स की है। तो एब्स के लिए हम क्रंचेस सिटअप्स करेंगे। अब जब आप ऊपर की तरफ आते हैं तो सांस बाहर की तरफ छोड़िए, जब नीचे आते हैं तो सांस लीजिए। अब जब ऊपर आते वक्त आप चाहे तो जितना भी फास्ट हो उतना फास्ट आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ा। जब नीचे जाए यानी नेगेटिव रिप्स में, तो आप अपनी बॉडी को जितना स्लो हो सके उतना स्लो नीचे लेके जाए। ये ओवरऑल एब्स डेवलप करने के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। फाइनल वर्कआउट जो करेंगे हम लोअर बॉडी की वो है स्क्वाट्स। बट स्क्वाट्स में भी हम फ्रॉग स्क्वाट्स या फिर जंपिंग स्क्वाट्स करेंगे, एक ही पोजीशन पे आपको जंप करना है। बस साइड से भी कर लेते हैं। दैट्स इट गाइस। तो डे 24 की ये फाइनल वर्कआउट थी लूज वेट सीरीज की। होपफुली आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और अगर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर जरूर करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मेरे अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि जो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर वीडियोस डालने वाला हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।